वैश्विक मंच में भारत के खिलाफ अल्पसंख्यकों और कश्मीरियों के साथ ज्यादती का आरोप लगाने पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने वाले पाकिस्तान ने जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान भारत के अल्पसंख्यकों और कश्मीरियों पर राग अलापना शुरू किया तो भारत ने जमकर लताड़ लगाई। दरअसल यूएन की बैठक के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत अपने अल्पसंख्यक मुसलमानों और कश्मीरियों से भेदभाव करता है। ऐसे में वहां मौजूद देश के प्रतिनिधि भड़क गए और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की खिंचाई शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो ने जरदारी की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि ये विडंबना है कि अल्पसंख्यक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन करने वाला देश अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में बोल रहा है। भारत के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक संयुक्त सचिव श्रीनिवास गोत्रू ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक उच्च स्तरीय बैठक में ये तमाम बातें कही। भारत के संयुक्त सचिव ने कहा कि ये विडंबना है कि पाकिस्तान अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दे को उठा रहा है। ये ऐसा देश है जिसने अल्पसंख्यक अधिकारों का सबसे गंभीर उल्लंघन किया है। पाकिस्तान के भीतर अल्पसंख्यक लड़कियों का अपहरण, जबरन विवाह और धर्मांतरण किया जा रहा है। वही भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक विशेष मंत्रालय है जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की देखभाल करता है। एक के बाद एक पाकिस्तान के काले चिट्ठे खोलते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है जिसने अपने शर्मनाक रिकॉर्ड को छिपाने के लिए अपना डेटा प्रकाशित करना बंद कर दिया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अधिकारों का सबसे गंभीर उल्लंघन होता है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपने अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया, इसने उन्हें नष्ट कर दिया। इनमें से कुछ अल्पसंख्यक पाकिस्तान में विलुप्त हो गए हैं। आज भी पाकिस्तान सिखों, हिंदुओं, क्रिश्चियाना और अहमदियों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र में दावा किया था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन रहा है। बिलावल ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत की विचारधारा से प्रेरित भाजपा आरएसएस का शासन भारत की इस्लामी विरासत को खत्म कर रहा है, साथ ही अपनी सदियों पुरानी योजना को लागू कर रहा है। भारत एक विशेष हिंदू राष्ट्र बनता जा रहा है। बिलावल के इस नापाक बयान का जवाब देते हुए भारत के प्रतिनिधि गोत्रू ने कहा, कम से कम पाकिस्तान तो हमें शिक्षा देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में हजारों महिलाओं और बच्चों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों का अपहरण, जबरन विवाह और धर्म परिवर्तन किया गया है। श्रीनिवास गोत्रू ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा बताया। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की सीमा पार से आतंकवाद को रोकने के लिए भी कहा है। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, लेकिन इस बयान से और वार पलटवार के चलते कहीं न कहीं एक बार फिर से सियासत बढ़ती नजर आ रही है। भारत और पाकिस्तान, इन दोनों ही देशों के बीच विवाद और संबंध दोनों ही बढ़ते नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं संबंध की अगर बात की जाए तो वे बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।